काफी टाइम से रूमर्स में रहा ये मी A3 और फाइनली भारत में लॉन्च कर दिया गया है। आई वॉज वेरी शॉक्ड विद द प्राइस साइड, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा अच्छी रखी गई है। 12,999 रुपए में आपका इसका बेस वेरिएंट मिलता है। इतने प्राइस में और क्या क्या इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और बताऊंगा ये आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन है या नहीं। जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे जो मी A2 आया था, कुछ लोग ये कहते थे उसका ये अपग्रेड नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा इट्स एन अपग्रेड। क्योंकि सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.08 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिलती है और ये डिस्प्ले आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। बात करें मी A2 की तो उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिली थी, ना ही आपको उसमें सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिली थी, ना ही उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला था। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले में ही इट्स एन अपग्रेड। अब बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले मी A2 की जो बैटरी आई थी उसमें आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी, और आपको बताया Xiaomi के फोन में 3000 mAh की बैटरी जस्ती नहीं है कुछ, इस स्मार्टफोन में आपको 4030 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, टाइप सी पोर्ट को भी सपोर्ट करेगा, और 18 वाट का इसमें आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें आपको 3.55 mm का ऑडियो जैक भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मी A2 से ये हटा दिया गया था, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा था पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ, और उन्होंने यूजर्स को फिर से समझा और इसमें उन्होंने 3.55 mm का ऑडियो जैक भी दे दिया। वैसे क्या आपको ये पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये 3.55 mm का ऑडियो जैक अच्छा लगता है या नहीं, क्या आपके हिसाब से ये प्रत्येक स्मार्टफोन में होना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 665 चिपसेट देखने को मिलेगा, और आपको पता है ये 11mm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब आपका काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है गेमिंग के साथ एक्सपीरियंस। और दोस्तों यहाँ पे मैं अगेन एक चीज और कहना चाहूंगा मी A3 के बारे में, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, इन हैंड्स फीलिंग इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि मी A2 आया था वो हाथ में पकड़ के वही बेकार सा डिजाइन था, अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने अपग्रेड किया और डिजाइन में काफी ज्यादा अच्छा दिया है। प्लास्टिक की बॉडी नहीं दी है इसमें, आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, बैक में भी, फ्रंट और बैक दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। ये वही प्रोटेक्शन है जो आपको आपको पता है रेडमी का नोट 7 प्रो आया था उसमें देखने को मिली थी, वही सेम इसमें आपको देखने को मिल रही है। तो फाइनली उन्होंने डिजाइन को लेकर के जो चेंजिंग किया है मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा। दोस्तों हमने बैटरी की बात करी, डिस्प्ले की बात करी, परफॉर्मेंस की बात करी, और लेट्स टॉक अबाउट अ कैमरा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है आज के टाइम पर। डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, जो कि 48 मेगापिक्सल का इसमें रियर सेंसर दिया गया है, जो सोनी का IMX586 वाला सेंसर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी ज्यादा कमाल के फोटो आते हैं इससे। साथ ही साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड को सपोर्ट करता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी दिया गया है। जी फ्रेंड्स, ओवरऑल इसके बैक कैमरे काफी ज्यादा कमाल के हैं। बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन मैं कहूंगा काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब इसमें आपको कैमरे काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मैं कुछ आपको यहाँ पे फोटोज भी दिखा रहा हूँ जिसके आप देख पा रहे होंगे, जो कि 48 मेगापिक्सल के साथ लिए गए, काफी ज्यादा दिखने को अच्छे लग रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस स्मार्टफोन में आपको 4K वीडियो का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई वीडियो शूट करना चाहते हैं फुल HD में, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, आप लाइक और कमेंट के मामले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजी करते हैं, लाइक कर दिया करो
कमेंट भी कर दिया करो, कुछ नहीं जाता है, हमें पता चल जाता है और हमारा आपके साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्शन हो जाता है कि आप हमें कितना अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो जस्ट डू द लाइक। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, 4GB 64GB वाला, 6GB 128GB वाला। 4GB 64GB की जो प्राइस रखी गई है वो 12,999 रखी गई है। 6GB 128GB वाले की जो प्राइस रखी गई है वो 15,999 रखी गई है। मतलब आप 6GB वाला वेरिएंट परचेज करना चाहेंगे तो आपको 16,000 रुपये देने पड़ेंगे, 4GB वाला लेना चाहेंगे तो मात्र आपको 13,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगा कि अगर आप इस फोन की साइड जाना चाहते हैं तो 4GB 64GB लीजिए, जो कि आपको मात्र 13,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन अमेजोन पर आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप चाहें तो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के यहाँ से इजी तरीके से उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये था आपका Mi A3, जो कि टोटली इट्स एन अपग्रेड Mi A2 से। बाकी आपको इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा फीचर कौन सा लगा इस स्मार्टफोन का, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दो, ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है तो देख लेना घंटी को, आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, जिससे कि मेरी आपको वीडियो नहीं मिलती है। नहीं किया है जल्दी से कर लो ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाएगा। मैं मिलता आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।